क्वेश्चन नंबर 8, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, कर दो डिफरेंशिएट, सेपरेट कर लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स को मैंने अलग लिख दिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स वन का, जो कि ज़ीरो आएगा, है कि नहीं। ये बात तो हमें अच्छे से पता है। सॉल्व करो इसे, पहले हमें पावर करना पड़ता है, तो पावर लिख दिया हमने आगे, फिर उसके बाद साइन एक्स टू माइनस वन मतलब वन पावर आएगी, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। उसके बाद हमें साइन एक्स को करना है डिफरेंशिएट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, तो इनटू में कॉस एक्स। इसके बाद हम एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस फिर से पावर को करो तो टू कॉस वाई मिलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, कॉस को करना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस का क्या होता है हमारा, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन वाई है यहाँ पे, तो वाई मिल गया। उसके बाद हमें वाई को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। जब भी आपको वाई को करना हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यही मिलेगा हमेशा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, टू कॉस वाई इंटू में साइन वाई, ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन टू थीटा इक्वल होता है हमारा टू साइन थीटा कॉस थीटा के, यहाँ पे कॉस लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये बन रहा है टू साइन थीटा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी बन रहा है टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन टू, यहाँ पे एक्स है यहाँ, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, माइनस टू टू इंटू में साइन वाई इंटू में कॉस वाई, मतलब टू साइन साइन टू वाई, ठीक है, इक्वल टू में ज़ीरो, डन। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डी वाई ओपन डी एक्स भी है मल्टीप्लाई में, तो ये भी लिख दो, छोड़ो मत इसको। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, बस साइन टू एक्स की वैल्यू रहने दो इधर, इसको इधर ले आओ, तो साइन टू वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, इसको अपॉन में ले जाओ, तो साइन टू एक्स यहाँ पे है ऑलरेडी, डिवाइड में आ गया साइन टू वाई, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था, और ऐसे ही करना है, सिंपल है सब कुछ, करते जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक।